आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ग्रुप एडमिन्स जी ने मेंबर्स जी से कहा है कि जो भी आज भजन गाए जाएंगे वो राधा जी और कृष्ण जी के ही गाए जाएंगे, क्योंकि मैं गाना नहीं जानता हूँ और लिखने में मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं। मैं बोल के ही अपनी बात रखा करता हूँ। तो आज मैं राधा जी के बारे में कुछ भेद की बात इस वीडियो में कह रहा हूँ। जैसा कि मेरा प्रसंग कुछ दिनों से चल रहा है, सिमरन, ध्यान और नाद, एक प्रश्न है, अगर ये पूछा जाए कि राधा जी किसकी दीवानी थी, तो झट से सभी लोग कहेंगे कि राधा जी कृष्ण कन्हैया गोपाल गिरधर की दीवानी थी। और अगर यही प्रश्न मैं स्टेज से प्रवचन करते हुए पूछूं कि राधा जी किसकी दीवानी थी, तो 90% या से प्लस साधक झट से कहेंगे कि गिरधर गोपाल की दीवानी थी। लेकिन कुछ परसेंट, लगभग 10% लोग चुप कर जाएंगे और ये सोचेंगे कि ये साधारण सा प्रश्न है, बाबा जी ने जो पूछा है तो उसमें कुछ ना कुछ भेद होना चाहिए। और उस भेद को खोलने के लिए आज मैं ये वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। राधा जी में जो हमारा प्रसंग चल रहा है, सिमरन, ध्यान और नाद का, वो तीनों ही गुण कहिए, अवस्थाएं कहिए, और राधा जी में थी। राधा जी हर वक्त श्री कृष्ण जी का स्मरण करती थी, उनके जो भी नाम उसके मन में आते थे उन नाम को लेके वो याद करती थी, स्मरण करती थी। और उसका जो ध्यान है वो सदा कृष्ण मुरारी जी की छवि में रहता था, उनकी छवि उसके हृदय में बसी हुई थी। और तीसरा जो है नाथ, जो मैंने प्रश्न किया कि राधा जी किसके दीवानी थे, जब कृष्ण जी वन में गैया चराते हुए या और भी कहीं बैठ के बांसुरी बजाते थे, तो बांसुरी की जो मीठी स्वर लहरी थी, जो धुन थी, जिसको हम लोग नाद कहते हैं, राधा जी उसको सुनकर उस धुन की तरफ खिंची चली जाती थी। और जहाँ कृष्ण जी होते थे वहाँ पहुँच के उनके सामने या तो खड़ी हो जाती थी या उनके समीप बैठ जाती थी, और कृष्ण मोहन वो अपनी बांसुरी बजाते रहते थे, वो राधा उसमें समा जाती थी। और जो हमारा प्रसंग चल रहा है उसमें यही बातों की चर्चा मैं कर रही हूँ। ऐसे ही जब साधक साधना में लीन होता है तो वो जप से शुरू करता है, अब अजपा जप की अवस्था को पाके उसके पास में गूंज शुरू हो जाती है, जिसको नाद कहते हैं। और नाद में जो साधक लीन होने की प्रक्रिया को समझ जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें लीनता प्राप्त करने लगते हैं। तब क्या होता है कि हमारा जो धड़ है, यानी गर्दन तक जो हमारा शरीर है, इसका भान जो है ना वो होना बंद हो जाता है। ऐसी अवस्था बनती है, ना तो शरीर का ज्ञान रहता है, ना समय का ज्ञान रहता है, और ना स्थान का ज्ञान रहता है। ये तीनों चीज़ों का
ज्ञान जो है ये लुप्त हो जाता है और खाली हमारा जो सर है वो चेतन रहता है, हमारी जो श्रुति है वो उस धुन में लीन हुई होती है। इसके आगे जो साधक और निकल जाते हैं, थोड़ा और आगे निकलने पर पूर्णता इस धुन में लीन हो जाते हैं, तो उनका जो सर है उसका भी जो महसूस होना वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में प्राप्त हुआ जो साधक सिद्ध पुरुष बना, वो संत पद की अवस्था को पा लेता है, और ऐसे में ये जो धुन है ये उसको खींच के परम तत्व, परम ईश्वर, परम आत्मा की तरफ ले जाती है। जैसे राधा जी खींची चली जाती थी तो सामने कृष्ण जी के पास पहुंच जाती थी, वैसे ही ये जो संत महापुरुष हैं इस अवस्था को प्राप्त करके वो परम तत्व परमात्मा के सामने पहुंच जाते हैं, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करके जो संत महापुरुष हैं उनको एक नाम परमेश्वर का हंस भी है और एक नाम आत्मा का हंस भी है, और वो जो संत हैं वो परमहंस की उपलब्धि को प्राप्त हो जाते हैं, उनको परमहंस कहा जाता है, उनको परमहंस कहा जाता है। ऐसे ही जब गुरु रविदास जी का आत्म साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने उस परम हंस को देख लिया है, परमात्मा को देख लिया है, पा लिया है। तो वो ये कहने लगे कि जो वो परम हंस पवित्र हंस है वो मैं हूँ, हंसा सोहन, इसको बार बार पलट के गाते हैं, भजते हैं, सिमरण करते हैं तो ये शब्द बन जाता है, हंसा सोहन, हंसा सोहन, हंसा सोहन। और इस जाप से भी साधकों को जो है ना ऊंची अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, और कुछ जो सिद्ध पुरुष कहिए या साधक कहिए जो परमात्मा को ब्रह्म के नाम से भजते हैं, उनको जब आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वो कहते हैं कि अहम ब्रह्म अस्मि, कि जो वो ब्रह्म है वो मैं हो गया हूँ। ये आत्म साक्षात्कार के होने की अवस्था में ये कहा जाता है। जहाँ से हम लोग चले थे कि सिमरन, ध्यान और नाद, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये राधा जी को अगर हम अपने मन में चिंतन करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि राधा जी में ये तीनों अवस्थाएं जो मौजूद थी, और ऐसे ही हमको इन अवस्थाओं को प्राप्त करना है, पहुंचना है। और ये देखिए, ये एक दिन का कोई यात्रा का मसला नहीं है, ये लंबी यात्रा है। और हम ये नहीं जानते कि हम लोग 83,999,999 यूनियन प्राप्त कर चुके हैं, ये हमारी अंतिम यूनी है या ये हमारी पहली यूनी है, या इसके बाद अब हमें और 10 यूनी लेनी है, 20 यूनी लेनी है। और इसका जो जानने का साधन है वो ये है कि श्री कृष्ण महाराज ने गीता के 6 अध्याय में अर्जुन के ये पूछने पर कि हे भगवान, इतनी दुनिया आपके नाम का स्मरण करती है, आपको याद करती है, क्या सभी आपको प्राप्त कर लेते हैं? तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने उसको उत्तर दिया था कि हे अर्जुन, जो लोग मेरे को याद करते हैं और जो मेरे को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो जिस साधना से, जिस भावना से, जिस तरीके से मेरे को भजते हैं, तो उनका जो योग है वो अगर भंग हो भी जाता है तो उनकी साधना का नष्ट नहीं होता, अपितु अगले जन्म में उसी अवस्था से फिर आगे बढ़ती है। योग भंग होने से साधना भंग नहीं होती है। तो ऐसे ही जब हमारे पिछले जन्म के किए हुए कर्म जागृत होते हैं तो इस जन्म में हमें आगे की यात्रा पर चलने के लिए परमेश्वर विधि विधान बनाता है, तो हमें किसी न किसी
समर्थ सतगुरु की मुलाकात करा के उसकी शरण में हमें डाल देता है, तो जो पिछले जन्म की हुई हमारी साधना है उसके आगे बढ़ने का जो है अब वो समय आ जाता है, तो सतगुरु की कृपा से वो आगे बढ़ती है। ये प्रसंग मैंने आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ऐसे सोच के कहा था कि आप सबके साथ इसको साझा करूं। धन्यवाद। दाता भला करे।